नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल, चैनल नंबर 10, और आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट। और अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि इस सेशन में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, और हमारा टॉपिक रहेगा सर्कल्स पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कुछ थ्योरम्स पर हमने बात की थी। अगर आपको वो सेशन दोबारा देखना है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो है NCERT ऑफिशियल। और अपने सभी देखने वालों को हम बता दें लाइव फोन इन प्रोग्राम है, आपका पार्टिसिपेशन हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं फोन कॉल के माध्यम से और ईमेल के जरिए। आप हमें फोन करेंगे हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559। इधर यू कैन ड्रॉप अ मेल एट आर ईमेल एड्रेस dth.class10@cit.nic.in। और टॉपिक आपको पता चल गया, ये पार्ट सेकंड है सर्कल्स का, और हमारी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लेट्स मीट हर। आप हैं मिस सविता ग्राहक, आप टीचर हैं गीता निकेतन आवासीय विद्यालय सालारपुर रोड कुरुक्षेत्र से। वेरी वार्म वेलकम मैम। जी नमस्कार। नमस्ते मैम। और मैम, जैसे हमने सभी व्यूवर्स और स्टूडेंट्स को बताया कि पार्ट वन पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कुछ थ्योरम्स पर हमने बात की थी, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पार्ट वन के छोटे से ब्रीफ के साथ हम शुरू करें सेशन मैम। जी बिल्कुल रेणु जी, तो हम जैसा कि आपने बताया कि कुछ थ्योरम्स हमने डिस्कस की थी पार्ट वन में, तो हम सर्कल के बारे में बेसिक कवर करते हुए एक बार थ्योरम्स पर फिर से नजर मारते हुए ही आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल, व्हाट डू वी मीन बाय अ सर्कल? द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल, लेट अस रीडिस्कस इट। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at a fixed distance from a fixed point. As in the figure, we can see that this is a fixed point. Let us name it as point O. And from a fixed point in the plane is called a distance. If I have these all points which are at a fixed distance from point O, then this collection is known as a circle. और जो ये फिक्स डिस्टेंस रहता है फ्रॉम पॉइंट ओ टू द बाउंड्री, दिस फिक्स डिस्टेंस इट इज नॉन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें पता है रेडियस की तरह ही डबल ऑफ द रेडियस इज नॉन एज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, एंड वी हैव डिस्कस्ड मेनी मोर पार्ट्स ऑफ अ सर्कल, वन ऑफ देम इज सेक्टर। सो व्हाट इज अ सेक्टर? द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क इज नॉन एज द सेक्टर, व्हिच वी कैन सी हियर that OA, OB radius or AB arc के बीच का जो area enclosed है, which has been shaded here in green color, it is a sector. Similarly, what is segment? तो segment से पहले हम discuss कर लेते हैं the definition of a chord. Chord is simply a line segment, like you can see here, which we obtain by joining two points on the boundary of the circle. As we have joined point C to point D, then CD line segment, it is known as the कोड ऑफ द सर्कल। और अगर बात करते हैं सेगमेंट की, तो द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन अ कोड एंड एन आर्क ऑफ अ सर्कल, दिस पर्टिकुलर एरिया इज नॉन एज द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ओके, एंड व्हाट डू वी मीन बाय एन आर्क? इट इज अनडाउटेडली सम ऑफ द पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, दिस इज नॉन एज द आर्क। ऐसे ही ए बी, इसे हम देख सकते हैं, दिस इज अनदर आर्क। सी डी, इट इज अनदर आर्क। So there are many many arcs possible in a circle. इसके बाद हमने डिस्कस किया कि अगर सेम प्लेन में हमारे पास एक लाइन और एक सर्कल अवेलेबल होता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक प्लेन पेपर है, उसी प्लेन पेपर पर एक लाइन भी है और एक सर्कल भी है, सो देर आर टोटल थ्री पॉसिबिलिटीज। द वेरी फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट द सर्कल एंड लाइन दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, लाइन इज समवेयर एल्स इन द प्लेन। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर लाइन पी क्यू एंड दिस इज द सर्कल, सो बोथ ऑफ दीज आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, इनके बीच में एक ही कनेक्शन है कि ये दोनों सेम प्लेन में है। बट अगर हम देखते हैं फिगर नंबर सेकेंड को, सो इन फिगर नंबर सेकेंड वी कैन सी दैट दिस लाइन पी क्यू, दिस इज इंटरसेक्टिंग आर सर्कल एट एग्जैक्टली टू पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। This is the second case. और एक third case भी possible है, जो हमारा बहुत important point है in this topic, कि वो जो line है, वो circle को हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एक point पर touch करते हुए निकल जाए, और वो point कौन सा है? That is point A. So the circle and the line have been connected at only one point. This point is point A.
और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं डियर व्यूअर्स, हम ये पढ़ चुके हैं अपने पिछले सेशन में भी, दिस पॉइंट इज नॉन एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. This is known as point of contact. इसी के साथ ये जो लाइन है इसे क्या बोलते हैं, सेम फिगर, थर्ड फिगर को हम वापस डिस्कस कर रहे हैं एंड वी आर नाउ डिस्कसिंग अबाउट द टेंजेंट टू अ सर्कल. व्हेन ओनली वन पॉइंट पी, वी कैन सी दैट दिस इज पॉइंट पी, इट इज कॉमन फॉर लाइन एल एंड हर सर्कल विद सेंटर ओ. देन दिस पर्टिकुलर लाइन इज नोन एज द टेंजेंट टू द सर्कल. This line is known as the tangent to our circle. And this point P हमने अभी discuss किया, this is known as the point of contact. और अगर हम बात करते हैं कि क्या P point से और भी tangents हम draw कर सकते हैं, so let us try doing that. अगर हम P point से कोई भी और line draw करेंगे, वो circle को एक point पर touch नहीं करेगी, that is not possible. वो सर्कल को टू पॉइंट्स पर कट करेगी एंड ड्यू टू विच दैट विल बिकम द सेकंड टू द सर्कल. तो हम ये क्लियरली बोल सकते हैं दैट देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट वन पॉइंट ऑफ द सर्कल. हाँ, अगर हम पॉइंट कहीं और लेते हैं तो उस पॉइंट से अलग टेंजेंट पास हो सकता है. देयर कैन बी इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स टू द सर्कल, लेकिन सेम पॉइंट से सिंगल टेंजेंट ही ड्रॉ किया जा सकता है. After this, we have discussed and we have proved the theorems. So, one of the theorem is the tangent at any point of a circle is always perpendicular. Is always perpendicular to the radius of the circle. अगर हम इस center से एक radius draw करते हैं, this will be a straight line undoubtedly. तो सेंटर से जो हमने रेडियस ड्रॉ की, लेट मी से इट इज नेम्ड एज रेडियस ओपी एंड आवर टेंजेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन ए बी हियर, देन ओपी विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू ए बी. और हम डायरेक्टली बोल सकते हैं दैट एंगल पी विल बी 90 डिग्री. टुडे वी विल प्रोसीड अहेड विद अ फ्यू क्वेश्चंस जहां पर हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव इट अगेन डियर स्टूडेंट्स टुडे एज वी ऑलरेडी हैव प्रूव्ड इट इन अ प्रीवियस सेशन. सो वन मोर थ्योरम इज हियर एंड द रिजल्ट ऑफ दिस इज व्हाट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. तो रेणु जी, अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट मीन्स अ पॉइंट विच इज आउटसाइड द सर्कल, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं? वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स एज वी हैव ड्रॉन हियर टेंजेंट पी ए एंड अदर इज टेंजेंट पी बी. ओके, सो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और मस्ट क्या है कि ये दोनों टेंजेंट्स हमेशा इक्वल होते हैं इन लेंथ. मींस इफ आई एम सेइंग दैट लेंथ ऑफ द टेंजेंट पी ए इज 7 सेंटीमीटर, अनडाउटेडली पी बी विल ऑल्सो बी 7 cm. Okay. So let us proceed ahead with a few questions now. जहाँ पर इन दोनों ही theorems के results का use होना है, हमारे viewers देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि कहाँ पर कौन सी theorem use हो रही है. So the length of the tangent from a point, we can see that point A has been taken here outside the circle, and this point is at a distance of 5 cm from the center of the circle. यानी कि we have been given that distance OA equals to 5 cm. And the length of the tangent is given to be 4 cm. So we can see that AB is equal to 4 cm in our figure. And what is demanded? The question is asking us the radius of the circle. So what is the radius? That is OB हमें calculate करना है. So for doing that, हम सबसे पहले theorem 1 का use करते हुए we will write that OB is perpendicular to AB. देखिए, हम observe कर सकते हैं that if AB is a tangent और इस tangent को अगर हम radius OB और tangent को observe करते हैं, B is the point of contact, तो undoubtedly angle B कितने degree का है? That is 90 degree. So if angle B is 90 and we know that triangle AOB is which type of triangle now? This is a right angle triangle. और अगर triangle right angle है, तो dear viewers हम apply कर सकते हैं Pythagoras theorem in which we know that hypotenuse square, hypotenuse the side
अपोजिट टू द राइट एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. इस क्वेश्चन में हम बेस और परपेंडिकुलर को साइड्स OB एंड AB के फॉर्म में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं. सो व्हाट डू वी हैव द वैल्यू ऑफ OA वी विल पुट दैट, वी हैव द वैल्यू ऑफ AB वी विल पुट दैट, बट वी नीड टू कैलकुलेट द रेडियस OB. सो OB विल रिमेन एज इट इज एंड ऑन सॉल्विंग इट वी आर अनडाउटेडली गेटिंग 5 स्क्वायर इज 25 एंड 4 स्क्वायर इज 16. On subtracting both of these, we are getting 9. Thus, the radius is 3. As we know that 9 is the square of 3. So, same. अगर हमें question में radius ना पूछकर diameter of the circle पूछ लिया जाता है, in that case also, your viewers, आप पहले radius ही calculate करेंगे और radius calculate करने के बाद, we will write that diameter is double of radius, therefore diameter's length will be 6 centimeter. So let us now discuss a question which is based on the next theorem. What the question is, prove that the parallelogram. Now if we are discussing about a parallelogram, So we must know that in a parallelogram always opposite sides are equal. Therefore, here we can say, if we observe the figure A, B, C, D, This figure is representing a parallelogram, And due to which we will say that opposite sides AB and CD are equal. Similarly, BC and DA are equal to each other. Right. और हमें जी हमें जो प्रूव कर रहा है that is that this parallelogram is circumscribing a circle is given, हमें प्रूव करना है कि this will become a rhombus. यानी कोई भी ऐसा parallelogram जो किसी circle को circumscribe कर रहा है, वो 100% rhombus ही होगा. That means उसकी all sides equal होंगे. So हम कह सकते हैं कि हमें जो प्रूव करना है, that is AB equals to BC equals to CD equals to side DA. तो ये प्रूफ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सर्कमस्क्राइबिंग वर्ड का मीनिंग हमारे व्यूअर्स को क्लियर होना चाहिए. इवन देन वी आर डिस्कसिंग इट वंस. सर्कमस्क्राइबिंग मींस इफ अ फिगर इज एनक्लोजिंग अनदर फिगर एंड इट इज टचिंग. सी वी कैन सी दैट सर्कल इज टचिंग द पैरेललोग्राम एट पॉइंट पी, देन एट पॉइंट क्यू, देन एट पॉइंट आर एंड एट पॉइंट एस व्हिच इज एनक्लोज्ड विद इन दैट. सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं. सी इफ वी कंसीडर ए टू बी एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो ए से लेकर पी तक की जो लेंथ है और इसी तरह से ए से लेकर एस तक की जो लेंथ है, बोथ ऑफ दीज विल बी इक्वल बिकॉज दीज आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट. सो आई कैन राइट दैट ए पी इक्वल्स टू ए एस एंड द रीजन बिहाइंड दैट टेंजेंट्स फ्रॉम same external points are always equal. Okay. So यही property, यही theorem 4 times apply होगी. Just external points will be changing. Let us see now the next external point. If I consider B to be an external point, then BP and BQ, both of these lengths will be equal. So we will write the same here that our BP is equal to BQ. See, हमें जो प्रूव करना है उसके लिए हम फर्दर आगे बढ़ते हैं और हाईलाइट करते हुए हम देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या चीज किसके इक्वल आ रही है. सो वी कैन से दैट सी आर एंड सी क्यू बोथ ऑफ दीज विल ऑल्सो बी इक्वल. सी आर एंड सी क्यू एंड सिमिलरली इफ डी इज द एक्सटर्नल पॉइंट देन डी एस एंड डी आर आर ऑल्सो equal to each other. So I have obtained 4 equations. In 4 equations ko agar hum add kar dete hain, to what we will be able to get? We will be able to get that AP plus BP plus CR plus DR. That means we have added the left hand side of all of these 4 equations and this is equals to AS plus BQ plus CQ plus DS, the right hand side.
Now, what is AP plus BP? If you observe our figure, AP plus BP, it is giving us the full side of the parallelogram named as AB. इसी तरह से अगर CR और DR को हम ऐड कर देते हैं, CR and DR, in that case we are getting the side CD. And if we see towards our right hand side, then AS and DS. S point is common. So we can say that DS plus AS is giving us the side AD, or we can also write it as BA. And what BQ plus CQ is? BQ plus CQ is BC. So हमारे पास अभी जो अवेलेबल हुआ है, that is the sum of opposite sides pair is equal to the sum of the other pair. लेकिन हमें पहुंचना कहां तक है, that AB is equal to BC equals to CD equals to DA आ जाए. Already know that in equation number 1, opposite sides are equal. And in place of AB, we can put CD. So in place of this AB, I am writing CD plus CD. And on the right hand side, in place of BC, we can write DA or AD. So what we are obtaining from here? We are getting double of CD equals to double of DA. So we can see that CD and this CD, this is equals to what? This is equals to DA. So if CD and DA are equal, that means the adjacent sides have become equal in a parallelogram. So if the adjacent sides are equal, similarly we can write that AB equals to BC equals to CD equals to DA. तो हमें पता है जब किसी पैरेललोग्राम की चारों साइड्स इक्वल हो गई, देन इट बिकम्स अ रोम्बस. देयरफॉर वी कैन राइट दैट एबीसीडी इज अ रोम्बस व्हिच इज रिक्वायर्ड. सो दिस इज ऑल कि हम कह सकते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम को रोम्बस कहा जा सकता है इफ दैट पैरेललोग्राम इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल. All right, तो अभी हमने जो दो questions discuss किए, in one of the questions we were able to see that theorem first was required, in the other question second theorem was required, but in this question let us see that what is required, first theorem or second theorem or both. So the question is, in the figure xy and x dash y dash, these are two parallel tangents. Both of the tangents are parallel. So xy is parallel to x dash y dash, and another tangent AB, there is third tangent and the name of that tangent is given to us to be AB. This is tangent AB. With the point of contact C, tangent AB circle को point C पर मीट करता है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, और ये जो टेंजेंट है ए बी एक्स वाई को पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करता है और एक्स डैश वाई डैश को पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट करता है. यानी हम बोल सकते हैं कि ए बी इज अ ट्रांसवर्सल फॉर द लाइंस एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. That means इस complete angle को 90 हम prove करना चाहते हैं. So for proving that, what we are doing, we are first using this point A to be the external point. और अगर हम point A को external point देखते हैं, तो हम कह सकते हैं that PA and AC, AP and AC, both of these are equal because these are tangents drawn from the same external point. तो हम क्या करते हैं, लेट अस टेक दिस. हमें पता है पीओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन. अगर हम लिखते हैं दैट एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश बोथ ऑफ दीज आर पैरेलल, देयरफॉर वी कैन से दैट पीओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन. और इस स्ट्रेट लाइन को हम ऑब्जर्व करते हुए ओ को ए से ज्वाइन किया गया है, ओ को हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी से ज्वाइन किया है, ओ को बी से ज्वाइन किया गया है, तो हम देख सकते हैं यहां पर टोटल फोर एंगल्स बन रहे हैं. दीज आर 1, 2, 3 एंड एंगल 4. वी हैव नेम्ड देम एज दिस.
Now we are going to prove that these two triangles, first of all, this triangle, that means triangle POA and triangle AOC. So both of these triangles are congruent to each other. The concept of congruency, it is already clear to our viewers. We have studied about it in our class 9th as well. तो देखते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। Can we say that OA and OA both are equal? OA common. Similarly, अभी हमने बात की that AP and AC are equal. और किसी भी सर्कल की जितनी भी रेडियस होती है वो सब आपस में इक्वल होती हैं, क्योंकि फिक्स्ड डिस्टेंस होता है सेंटर से ऑफ द कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स, जिसे हम रेडियाई की फॉर्म में यहाँ पर बोल सकते हैं. सो we can say that by SSS rule, a triangle AOP is congruent to triangle COA. और अगर ये दोनों triangles congruent हैं, तो we can easily say that angle 1 and angle 2, both of these are equal. Similarly, there are two more triangles, and these triangles are here POQ and BOC. ये दोनों ट्राइंगल्स भी सेम रूल SSS के कारण एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगी, और हम बोल सकते हैं दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. नाउ वी नो दैट POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, और अगर POQ स्ट्रेट लाइन है देन व्हाट विल बी द सम ऑफ दीज फोर एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड 4, इन सभी का सम होगा 180 डिग्री, बिकॉज दीज आर ऑन वन साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. Now, my focus is on proving that angle AOB is 90 degree. Angle AOB means the sum of angle 2 and angle 3. हम देख सकते हैं that angle AOB को यहाँ पर angle 2 और angle 3 की form में हमने divide किया है. So, in place of angle 1, I am writing here angle 2, because angle 1 and angle 2, both of these are equal. Similarly, in place of angle 4, we are writing angle 3. So, we are able to get that double of angle 2 plus double of angle 3 equals to 180. If we take 2 common, we are getting the sum of angle 2 and angle 3 is equal to 90 degree, which was required. So, this is the proof. And now, ma'am, here let me tell you that we have only 5 more minutes left for the session, ma'am. Right, ma'am. So this will be the question which I want to discuss with our viewers. And this is the last question of this session, after which our viewers will be able to solve such kind of questions themselves. The question is, AB is a chord of length 8 cm, which has been given here as named as PQ. Here AB has been taken as the chord PQ, and its length is 8 cm. And the circle is having a radius 5 cm. The tangents drawn from an external point, point T, और हमें जो length निकालनी है, this is length TP. Length of the tangent is required. So for finding this length, what we are going to do, हमें जो गिवन है दैट इज जस्ट द लेंथ ऑफ द कोर्ड एंड वन ऑफ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल. सो वी ऑल्सो नो दैट दिस कंप्लीट एंगल इज 90 डिग्री. अगर हमारे पास ओ टी लेंथ गिवन होती, डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सटर्नल पॉइंट एंड सेंटर गिवन होता, इन दैट केस हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी रहे. बट राइट नाउ we have to think that how to solve it. One thing is clear, our viewers might be thinking that ये angle 90 degree भी तो हो सकता है. PR की length half of 8, that means 4 centimeter भी हो सकती है, और हम कह सकते हैं कि R can be the midpoint of this line segment PQ or this chord PQ. तो undoubtedly ही है, but we need to prove that how will be this. So how will we prove this? First of all, we will prove that triangle OTP is congruent to triangle OTQ. अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को देखते हैं तो इन दोनों ही ट्राइंगल्स में
टीटी एंड टीक्यू आर इक्वल, ओटी इज इक्वल टू ओटी एंड रेडियाई ओपी एंड ओक्यू बोथ आर इक्वल. देयरफॉर वी कैन से दैट बाय साइड 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 ट्रायंगल ओटीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओटीक्यू. अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो वी कैन सिंपली से दैट एंगल 1 एंड एंगल 2 विल आल्सो बी इक्वल. ऐसा करने का रीजन क्या था? रीजन था कि हम चेक करेंगे कि हाउ कैन वी से दैट PR इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड हाउ कैन वी से दैट एंगल R इक्वल्स टू 90 डिग्री. नाउ लेट अस प्रोसीड अहेड. इफ यू सी दीस स्मॉल ट्रायंगल्स, ट्रायंगल OPR एंड ट्रायंगल OQR, इन दोनों ही ट्रायंगल्स में OP एंड OQ आर इक्वल एज दीज आर द रेडियाई. OR and OR being common are equal, और हमने अभी प्रूव किया by CPCT that angle 1 and angle 2 are also equal. So we can say that by side angle side rule these two triangles are also congruent to each other. And if these two triangles are congruent then half of the part is done. अगर ये दोनों triangles congruent हो जाते हैं then we can say that PR and QR भी equal होंगे और angle R will also be proved to be 90 degree क्योंकि ये complete angle 180 degree. And after that we can say that what will be the length of OR. By applying Pythagoras theorem we are getting that OR equals to 3 centimeter. Now OR is 3. Let us assume PR to be X and let us assume TP to be Y. And if we apply the Pythagoras theorem in triangle TPR and triangle OPT, on comparing both of these, we will be able to find the value of X as well as Y. And the value of Y, we can see okay, that is the required thing, find TP. And TP को ही हमने Y suppose किया है. So apply the Pythagoras theorem and calculate the answer of TP. थैंक यू सो वेरी मच मैम. थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन सर्कल पार्ट सेकेंड. और अब इस सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करना चाहेंगे लेकिन उससे पहले हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मैम. थैंक यू सो वेरी मच. जी रेनू जी धन्यवाद. रियल लर्नर्स एंड व्यूवर्स, हम बात कर रहे थे मैथमेटिक्स के 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए और हमने जानकारी ली सर्कल्स पार्ट सेकंड पे. पार्ट वन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑफिशियल एक्सप्लोर कर सकते हैं. अभी समय की इस प्रोग्राम को हम यहीं पर वाइंड अप करें लेकिन थोड़ी देर में हम आपके लिए एक और लाइव फोन इन प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे जो संस्कृत के स्टूडेंट्स के लिए है. आप कहीं मत जाइए, बने रहिए पीएमए विद्या चैनल पर. नमस्कार.